से आए मैम, किस चीज़ का ट्रीटमेंट वगैरह आपका चल रहा है? एलिए से आए हैं जी। और जी ओवरी का ऑपरेशन। तो अभी आज आप आए हैं तो मतलब जहाँ से आप आ रही हैं वहाँ पर भी अच्छे अच्छे हॉस्पिटल्स वगैरह होंगे ज़रूर, लेकिन यहाँ आने का क्या कारण रहा आपका? ये फैमिली डॉक्टर, यहाँ के ट्रीटमेंट पर आपको बिलीव है? ठीक, थैंक यू। कहाँ आप लोग इनके साथ में? क्या नाम हुआ सर आपका? अच्छा अच्छा, क्या प्रॉब्लम है इनको? अच्छा अच्छा, यहाँ पर कैसा लग रहा है, क्या कैसा इलाज किया जा रहा है? अच्छा इलाज किया जा रहा है, ध्यान दिया जा रहा है सभी के द्वारा? चलिए चलिए ठीक। कब करना है ऑपरेशन, होना है क्या? आज होगा ऑपरेशन। चलिए, हमारी शुभकामना है कि ज़रूर ऑपरेशन सफल हो। अच्छा, आप ही के साथ हैं पेशेंट? उनके साथ हैं? क्या इनको हुआ था? प्रोस्टेट का। अच्छा, प्रॉब्लम था। कहाँ से आए हैं आप लोग? सिवान। सिवान से, मतलब यहाँ पे कैसा इलाज हो रहा है? बढ़िया इलाज हो रहा है, ध्यान दिया जा रहा है यहाँ पे डॉक्टरों के द्वारा, डॉक्टरों की टीम के द्वारा ध्यान दिया जा रहा है? सुधार है ना? चलो ठीक। क्या यहाँ क्या बीमारी थी आपको अंकल? रुक रुक के आता था। तो यहाँ पे हो गया आपका इलाज? हुआ ऑपरेशन? हुआ, कैसा महसूस कर रहे हैं? नमस्कार मैडम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। आज हम आसियाना दीघा रोड के पास MS यूरो गायनिक एंड स्टोन सेंटर में आए हुए हैं, हॉस्पिटल है ये। हम यहाँ पे आकर के घूमे हैं, देखे हैं, यहाँ के पेशेंट से भी हमने बात की है, तो इसके हॉस्पिटल के बारे में हमें रिव्यू अच्छा मिला है। बताया गया है कि जो यहाँ पर में इलाज का जो तरीका, द वे ऑफ ट्रीटमेंट है, वो बहुत ही अच्छा है। लेकिन हम चाहेंगे कि आपका परिचय हो और किस तरीके से पेशेंट लोग को डील किया जाता है, कब से ये हॉस्पिटल, थोड़ी सी जानकारी हमारे व्यूअर्स के साथ। मेरा नाम डॉक्टर हेमचंद कुमारी है। मेरा ये हॉस्पिटल 2017 से हम लोग चला रहे हैं। पहले एक छोटे बिल्डिंग बगल में था, अब ये हमारा अपना बिल्डिंग हो गया है। इसका नाम MS यूरो गायनिक एंड स्टोन सेंटर है। पिछले 5.5 साल होने जा रहा है। हम लोगों के यहाँ क्वालिटी काम होता है, जनरल सर्जरी, यूरोलॉजी एंड गायनी में हमारे यहाँ सब सुविधाएं उपलब्ध हैं। दूरबीन से बच्चेदानी निकालने की सुविधा है, दूरबीन से बच्चाबंदी की ऑपरेशन की सुविधा है, हिस्ट्रोस्कोपी हमारे यहाँ होता है, बांझपन का इलाज हमारे यहाँ होता है। काफ़ी पेशेंट्स हमारे यहाँ से ट्रीटमेंट करा के प्रेग्नेंट हुई हैं, जिनकी डिलीवरी भी हमारे यहाँ हो गई है। हमारे यहाँ मतलब यूरोलॉजी और गायनी में जितना भी एडवांस काम आप सोच सकते हैं वो सब हमारे यहाँ होता है। पेशेंट को बहुत न्यूनतम दर पे हमारे यहाँ काम होता है। हमारे यहाँ कैशलेस फैसिलिटी भी अवेलेबल है। 4-10-12 कंपनियाँ जिनका TPA है उनसे हमारे यहाँ ट्रीटमेंट हो सकता है। और हमारा आयुष्मान, प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना से भी अभी टाइप की बात चल रही है, वो भी 15-20 दिन में हो जाएगा। तो हमारा उद्देश्य ये है कि पेशेंट हमारे पास जो आए वो यहाँ से फुली सेटिस्फाइड होके जाए, हमारा सेंटर दिन पर दिन ग्रो करें, हमारे साथ जो जुड़े लोग हैं सब प्रगति करें और हम लोग एक बिहार में एक अच्छा मिसाल कायम करें हमारे अपने सेंटर के। मैम, कहीं ना कहीं इस ये बिहार है और बिहार में यहाँ पर में कहाँ कहाँ से पेशेंट आपके पास आते हैं और क्या लगता है उन लोग, एक मेंटलिटी सी बनी हुई है कि जो बच्चे अभी नहीं, शादी के बाद बहुत सी नवयुवती होती है, जो शादी होता है तो उसके बाद उनका सोच रहता है कि नहीं बच्चे अभी नहीं, और इसी ताक में जो है सो उम्र उनकी जो है सो बढ़ जाती है, जिसके कारण बच्चे होने में प्रॉब्लम होती है और फिर कहीं ना कहीं जा करके
आप लोग डॉक्टरों का सहारा लेना पड़ता है और उनको हॉस्पिटल और चक्कर लग जाता है, तो इसके लिए क्या कुछ कहना चाहिएगा? देखिए, वो उसके लिए काउंसलिंग बहुत ज़रूरी होती है। पेशेंट जो शादी से पहले आते हैं या शादी के बाद आते हैं, तो हम लोग सब रिस्क फैक्टर एक्सप्लेन कर देते हैं कि देखिए आपको एज इतनी हो गई है, आपको ये बीमारी है, ये आपका वजन बढ़ने के कारण पीसीओडी की समस्या काफ़ी हो गई है, या बहुत सारी बीमारियाँ बढ़ गई है, एजुकेशन के कारण शादी लेट से हो रही है तो बच्ची होने में दिक्कत है। तो एक काउंसलिंग हम लोग कर देते हैं कि देखिए आपको इस टाइम तक मतलब है कि आप अपना फैमिली कंप्लीट कर लीजिए कि आपको प्रॉब्लम हो सकती है, नहीं तो फिर हम लोग अगर जो पेशेंट ऑलरेडी लेट होके आते हैं तो हम लोग उनका ट्रीटमेंट करते हैं, अगर नहीं हो पाता है तो फिर हम लोग उनको आई देते हैं। कहीं ना कहीं मैडम जो है सो ये काम और जो पेशेंट आपके पास आते हैं उनको ज़रूर आप काउंसलिंग करती होंगी और उनको समझाने की भी कोशिश किया जाता होगा। एक और सवाल मैडम, यहाँ पर मैं आपने कहा कि जो सारी सुविधाएं स्त्री रोग का उपलब्ध है, गायनिक के रिलेटेड जितना भी सुविधाएं होता है, तो यहाँ मैडम एक चीज़ और हम जानना चाहेंगे, आपके इस अस्पताल में जो पेशेंट भर्ती होते हैं उनके रहने खाने या चाहे मेस की या चाहे फार्मेसी की जो दवाई या ट्रीटमेंट के लिए जो उचित और समुचित जो एक्सरे और अल्ट्रासाउंड की जो व्यवस्था होती है, वो सारी व्यवस्था भी क्या आपने यहाँ मौजूद है? देखिए, हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा है, प्राइवेट रूम्स है विथ एसी अटैच, लैट्रिन बाथरूम, फार्मेसी हमारा खुद का है, ब्लड टेस्ट हमारे यहाँ टाइप है, पेशेंट्स आके ले जाते हैं, एम्बुलेंस हमारा टाइप है, किसी भी पेशेंट को ज़रूरत रहती है हमारा एम्बुलेंस से टाइप है, वो एम्बुलेंस आपको प्रोवाइड मिल जाएगा जब पेशेंट को ज़रूरत पड़ती है, और ब्लड टेस्ट तो मैंने बता ही दिया जो इन हाउस है हमारे कर देते हैं। अल्ट्रासाउंड के लिए थोड़ा टाइम लगेगा, अल्ट्रासाउंड हमारे यहाँ नहीं है, एक्सरे। चलिए, कहीं कहीं जो है सो स्त्री रोग का जितना भी समस्या होता है, जो नए नए तकनीक आए हैं वो सारी तकनीकें यहाँ पे उपलब्ध है और स्त्रियों का जो भी रोग है उसका इलाज आपके इस अस्पताल में यथासंभव मौजूद है। हमारे चैनल के साथ बात करने के लिए मैडम आपको बहुत बहुत धन्यवाद।